कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत आप लोगों को बताया था मैंने, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और प्रति कटौती, इस तरह की तीन कटौतियाँ होती हैं। अभी मैं लगता है कि मैंने बेस में नहीं किया है, केवल हेडिंग करवा दी। ठीक है, तो एक हेडिंग करके थोड़ा सा नोट डाउन करिए। कटौती क्या होती है? जैसे कहते हैं कटौती का मतलब, जैसे नाम से यह स्पष्ट है कि जो बजट दिया जाएगा, जो धन दिया जाएगा, उसमें कटौती की जाए। अब उसमें कितनी तरह की कटौतियाँ होती हैं? तीन तरह की मूल रूप से कटौतियाँ आपकी हैं। वो तीन तरह की कटौतियाँ कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं कि नीतिगत कटौती क्या होती है, अर्थगत कटौती क्या होती है और प्रतीकात्मक कटौती क्या होती है। तीन तरह की कटौती करेंगे इसमें, ठीक है? प्रस्ताव आ सकता है, लाया जाएगा, पास होता है, फिर क्या होता है ये देखना है। चलिए देखते हैं कटौती प्रस्ताव में लिखिए इसमें, बजट की मांग में कटौती, बजट की मांग में कटौती, बजट की मांगों में कटौती या मांग में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को, हेतु रखे गए प्रस्ताव को, कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौतीगत प्रस्ताव कहते हैं। रखे गए प्रस्ताव को कटौती का प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव या कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है, तो बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास, का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास। इसी तरह का कटौती जान लीजिए, कितनी तरह कटौती है तो बात की बात है, लेकिन पहले जाकर के कटौती है इसका मतलब हम सहमत नहीं है, है ना? बात हो रही है। इसके बाद कोई भी कटौती अगर होती है तो कटौती का मतलब है असहमति, ठीक है? असहमति यानी बजट, और वो भी असहमति यानी कि सरकार के प्रति क्या हो गया, अविश्वास वृद्धि आ गई है, ठीक है? अविश्वास पे ही हम और धन की कटौती कर रहे हैं, बजट की खर्च करने की कटौती, एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव के बराबर होता है और सरकार यहाँ से चली जाती है, चली जाने वाली स्थिति रहती है, ठीक है? ये बात फिर से आपको ध्यान रखना है, कोई भी कटौती होगी तो ये क्या होगा, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर, अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव को स्वीकृति देना, कटौती प्रस्ताव को स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है, कटौती प्रस्ताव को स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है। कटौती निम्न तीन प्रकार का होता है, पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार का होता है या निम्न तीन प्रकार का होता है, जिन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, जिन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए लाया जाता है, जिन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए लाया जाता है। पहला है नीतिगत कटौती, नीतिगत, अर्थगत और सांकेतिक कटौती, तीनों लिखे हैं। पहला है नीतिगत, दूसरा अर्थगत, तीसरा है
तीन प्रकार से। अब देखिए क्या है, नीतिगत कटौती क्या है, परिवर्तन करके लिखिए। यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए, मांग को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। इसके द्वारा मांग की गई धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव, रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय संसद को यह प्रस्ताव या इस प्रस्ताव को या यह प्रस्ताव संसद इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय सदस्य को यह बताना पड़ता है, सदस्य को यानी जो कटौती प्रस्ताव लेके आ रहा व्यक्ति सदस्य उसको बताना पड़ता है कि वह किस नीति में कटौती करना चाहता है। असहमत होने से तो प्रस्ताव रुक नहीं जाएगा, मतलब एक तरह से कहिए विपक्ष, अब विपक्ष का कोई एक व्यक्ति आएगा जो कहेगा कि साहब हम इस आपकी कटौती आपके प्रस्ताव का जो है कटौती प्रस्ताव आपके प्रति लाते हैं, नीतिगत कटौती लाते हैं। तो नीतिगत कटौती जब लाएंगे कि जिस योजना के लिए सरकार ने पैसा मांगा होगा, बजट के लिए धन मांगा होगा, बजट से धन मांगा होगा उस नीति के लिए, उस काम के उस विशेष पर्पज के लिए, तो उसमें कहेगा कि भाई हम बताएगा उसकी कोई कमियां बताएगा, कोई कमी बताएगा कि इसमें ये कमी है। अभी आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखे हैं कि उसमें से कोई कमी बतानी पड़ेगी कि ये आपकी कमी है, इस कारण से हम ये प्रस्ताव लाते हैं। तो अब लाएंगे, अगर वो पारित हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव के बराबर होगा और सरकार गिर जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो लिखो इसमें होगा क्या, एक रुपये की क्या करेंगे, मतलब वो सांकेतिक होता है, कुल मिला जुला के अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है और कुछ बताना होता है, कुछ कमी बतानी होती है कि भाई ये कमी आपकी इस वाले हिस्से में ये कमी है और इस कारण से हम प्रस्ताव लेके आते हैं आपके खिलाफ लाए हैं, और लाएंगे अगर पारित करा ले जाएंगे तो फिर वो सरकार चली जाएगी। और सबसे कटौतियाँ जो तीन कटौतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट कटौती है, इसमें ऐसे लिखिए, नीतिगत कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है। नीतिगत कटौती
नीतिगत कटौती, कटौती प्रस्ताव का, नीतिगत कटौती कामा कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है, सबसे गंभीर रूप है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, देखिए कैसे गंभीर है भाई, कि जैसे कि ना 1 रुपए से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उस बजट पे, तो इसका मतलब पूरी तरह से, एक तरह से कहिए हम पूरा विरोध में आपके, आपका पूरा बिल्कुल बेकार है 1 रुपए कटौती प्रस्ताव। 1 रुपए के बजट में तो कुछ धन में उनके असर तो आना नहीं है। अब ये सांकेतिक भाषा है एक तरह से, कि जैसे अभी आप किसी के यहाँ खाने जा रहे हैं तो आपने क्या कहते हैं लाई खा ही देते हैं, इसका मतलब आपकी इच्छा थी नहीं आपकी वहां पर। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सरकार ने जो बजट लेके आए हैं और किसी विशेष मांग को लेकर के उन्होंने धन की रिक्वायरमेंट वहां पे करी अपने बजट में, और उस बजट में उस जो और जो मांग की है उसका विपक्ष के लोग उस पर्टिकुलर किसी मुद्दे को लेकर के बताएंगे ये कमी आप में है, इस कारण से हम जो है आपका कटौती प्रस्ताव आपके खिलाफ लाते हैं। तो कटौती प्रस्ताव लेके आएंगे, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, मतदान करेंगे, मतदान में अगर वो उनका बहुमत होता है 1 रुपए का तो उसका कटौती का प्रस्ताव ही 1 रुपए का आएगा, कटौती का पारित करा ले जाते हैं तो फिर वो ये चीज हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, नहीं करा पाएंगे तो खत्म है कहानी, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया। समझ रहे हैं बात को, ये बात है इसमें। सरकार को मिला के कहने में सरकार की नीति का ही मतलब, ये कटौती जो है सरकार की नीति पर हो गई, यहाँ धन बजट की बात नहीं थी, आपकी पॉलिसी ही गलत है। अब मान लो आपने कह दिया कि हम किसी मतलब ऐसे मकसद के लिए धन मांग रहे हैं, आप ऐसे किसी काम के लिए मांग रहे हैं जिससे बिल्कुल भी पैसा मत है, तो नीतिगत कटौती हो जाएगा वही चीज। चलिए बेटा अब करिए अर्थगत कटौती क्या होता है। यह प्रस्ताव इकोनॉमिक कट कहते हैं इसको, अर्थगत कटौती बेटा लिखिए इसमें। यह प्रस्ताव किसी विशेष मद की यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए, विशिष्ट मद के लिए मांगी हुई राशि, विशिष्ट मद के लिए, विशिष्ट मद के लिए मांगी गई विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य खर्च को कम करना होता है या खर्च में कमी लाना होता है। इसका मोटिव क्या होता है, खर्च में कमी लाना, खर्च को कम करना यानी खर्च में कमी लाना, ऐसे समझे जाए ठीक है, खर्च में कमी लाना बजट में, यानी कि धन जो खर्च कर रहे हैं उसमें कमी लाएगी थोड़ा, ये हो जाता है आपका अर्थगत। अब प्रतीका प्रतीक जो कटी है सांकेतिक इसे कह सकते हैं आप, प्रतीक कटौती या सांकेतिक कटौती भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, यह प्रस्ताव सरकार में यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित, यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित, यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में, सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में, किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। विशेष रिपीट कर दे रहा हूं, यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। साधारणतः इस प्रस्ताव में 100 रुपए की, साधारणतः इस प्रस्ताव में
₹100 की कटौती की जाती है। साधारणतः इस प्रस्ताव में ₹100 की कटौती की जाती है। ₹100 की कटौती की जाती है। तो ये आपका तीन तरह का रहा है और इसमें जो प्रस्ताव आपका जो ये आ रहा है तो विशेष विषय के संबंध के लिए विशेष विरोध प्रकट किया जाता है किसी मतलब किसी पर्टिकुलर जैसे तरह से कहिए कि जो सांकेतिक कटौती होती है किसी पर्टिकुलर जो बजट में कोई विषय होगा उस पर उसको लेकर के मतलब किसी मुद्दे को लेकर के फिर इसमें कटौती का प्रस्ताव करेंगे। इसमें ₹100 की धनराशि रखी जाती है कि ₹100 की कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है और नीतिगत कटौती में ₹1 का प्रस्ताव आता है और अंतर कटौती किसके की जाती है बजट को थोड़ा कम कर दिया। ये तो तीनों बातें आपको फॉरवर्ड में रखना है कि क्या है सांकेतिक और प्रतीक कटौती किसी विशेष मद के लिए नीति के मानी गई धनराशि है उसमें कटौती ₹100 के लिए आते हैं। आर्थिक बजट को कम करिए और थोड़ा सा ज्यादा आप उसको खर्च करने की बात कर रहे हैं आप उसको कम करिए। और नीतिगत कटौती का तो आपने देखा है कि मतलब एक तरह से सरकार का मतलब नीति का विरोध करना होता है और ये इस पर पंचायता सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव है इसमें ₹1 की सांकेतिक रूप से कटौती की जाती है। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर बात कर लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव नहीं सब नहीं हाँ मतलब ये कटौती कोई भी प्रस्ताव कटौती का आया तो खत्म हो मतलब कुल मिला के अब कटौती प्रस्ताव ही आपका मतलब है कि सरकार के लिए मतलब जैसे अब ये बताइए जरा सरकार कोई सर्वे करके बजट धन खर्च कर रही होगी ना जैसे मान लो अर्थगत कटौती चलिए जो छोड़ दीजिए अर्थगत कटौती यानी सरकार ने कुछ डायग्राम बना करके अपना बजट रखा है ना कि साहब हम इतना इस निधि पे खर्च करेंगे। मान लो कोई है कि कृषकों के लिए ही उन्होंने बजट दे दिया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडी की बात करी अब उसी पर आप यह है कि भाई बहुत ज़्यादा बजट आप सब्सिडी खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी पूरी नीति की ही आलोचना हो गई ना। और सरकार एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लेके आएगी ऐसे थोड़ा हवा हवाई आया कि उसने का इतना पैसा खर्च करेंगे ऐसा नहीं कि अब चीन से युद्ध हो रहा है तो पता सरकार क्या करेगी कि नहीं 60% बजट का उसी खर्च कर देंगे ऐसा नहीं करेगी सरकार अपने हिसाब से सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो भी सरकार जो भी अपना बजट लाती है ऐसे समझिए बजट जो भी सरकार लाती है सोच समझ करके सुनियोजित तरीके से लेकर आती है अपने हिसाब से भाई उसका एजेंडा रहता है उसी एजेंडे को प्रॉमिस को लेकर के वो सरकार में आता है कोई आदमी छुट के आता है एजेंडा उसका होता है ना हम ये आएंगे ये करेंगे हम आएंगे ये करेंगे अपना एजेंडा होता है तो उस एजेंडे के अकॉर्डिंग अपने बजट को सबसेट करता है। विपक्ष का काम क्या है कि सरकार ने जो नीति बना ली चूंकि सरकार बहुमत में है अब उसका समर्थन करना ये इसका मतलब होता है क्योंकि वो चूंकि बहुमत में तो है जो सरकार में वो बहुमत में है अब वो जो व्यक्ति बहुमत में है तो आप अब क्या कर सकते हैं अब आप उसको तब ग्रसित कर पाओगे जब उसकी बहुमत तो कमजोर हो तो मान लो ये कोई चीज हमको नहीं पसंद आ रही है तो हमने क्या कहा इसका विरोध करेंगे अब हम विरोध करेंगे लेकिन अगर उनके बहुमत से ज्यादा हमारा हो गया मतलब उनके लोग भी हमारे साथ आ गए क्योंकि बहुमत में है तब वो सरकार में है और कोई भी प्रस्ताव तभी पारित हो पाएगा कि जब हम उनके बहुमत को पछाड़ दें हमारा बहुमत हो जाए तो हमारा ये सब एक तरह से कहिए विपक्ष के लोगों को सरकार गिराने का एक सिस्टम या सरकार की मतलब ऐसे अब इसके माध्यम से अगर सरकार गिरती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा अविश्वास प्रस्ताव नहीं माना जाएगा इसको ये माना जाएगा कि सरकार की नीति ही गलत थी मतलब गलत नीति पर हमने सरकार गिरा दी समझ रहे बात की इसका सांकेतिक हो गलत काम कर रहे थे हमें गिरा दिया इस तरह का सेंस लेकिन कुल मिला मिला के है सरकार का जो भी है सरकार के खिलाफ सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रस्ताव सारे लाए जा रहे हैं क्योंकि नीति के लिए ही धन मांग रहे हैं वो तो उनकी नीति नहीं ठीक है उसमें प्रस्ताव पारित हो गया और सदन में बहुमत जो मतलब पारित का मतलब ही बहुमत हो गया बहुमत के बिना पारित नहीं होगा तो फिर सरकार उनकी गिर जाएगी तीनों में गिर जाएगी कोई एक नहीं है कि इसमें एक गिरेगी है ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है देखिए इसमें से थोड़ा एक बार पूछा एग्जाम में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इसको अविश्वास प्रस्ताव चलिए फटाफट करिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है कि नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है बिल्कुल सही है उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत
अनुच्छेद 118 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत, संविधान के 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य सदन संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्राप्त है, संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्राप्त है, संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी प्रक्रिया को अपनी प्रक्रिया और कि वह अपनी प्रक्रिया और यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के और अपने कार्य संचालन के विनियम के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकता है, कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सके। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत जैसे देखिएगा लोकसभा जो अंदर की कार्यवाही लोकसभा की चलती है, जो भी चीजें होती हैं लोकसभा के अंदर, तो वो सब क्या होता है, उनके अपने नियम कानून होते हैं। एक तरह से कहिए संसद का संविधान एक होता है, जैसे क्लास का अपना एक संविधान है कि भाई एक संविधान है कि अभ्युदय क्लास चलनी चाहिए 1 बजे से 2 से 3 इस टाइम में फिक्स क्लासेज है, सब्जेक्ट ये चलेंगे, फिर उसके इंटरनल जो क्लासेज होंगी मतलब क्लास में क्या क्या डिवाइडेशन होगा अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा देखो आप लोग मैं बताऊँ आप लोग मैंने कहा था ना बन रहे चलो लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत क्या कह रहा हूँ छोड़ दे क्या ठीक जैसे आप तो छोड़ देंगे सारा करते ना तो लिखोगे। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है रेफरेंस।